अस्सलाम वालेकुम, पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हुकूमत ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के लिए शॉर्टी बॉन्ड हुकूमत के बजाय अदालत में जमा करवाने की पेशकश कर दी, जबकि अदालत ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए शहबाज शरीफ से तहरीरी जमानत तलब कर ली, जो शहबाज शरीफ ने वकला के जरिए अदालत में जमा करा दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक मदीना से आने वाली डॉक्टर नादरा नज़ीर अपना बैग भूल गई थी, जिसमें 43,000 रियाल और दीगर सामान मौजूद था। बैग से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक इसकी मालकन से राब्ता किया गया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर एयरपोर्ट नज़ीर अहमद ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद बैग डॉक्टर नादरा नज़ीर के हवाले कर दिया। चेन्नई और ट्रैफिक हादसात के शिकार अफराद की याद के आलमी दिन की मुनासबत से रेस्क्यू 1122 का आगाही वॉक का एहतमाम। वॉक का आगाज रेस्क्यू ऑफिस से शुरू होकर खत्म नबूवत चौक पर अहतमाम पजीर हुआ। वॉक की क्यादत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मैडम ताहिरा खान ने की, जबकि इनके साथ रेस्क्यू अफसरान समेत रेस्क्यू मुहाफिज की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मैडम ताहिरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वॉक का मकसद ट्रैफिक हादसात में कमी लाने के लिए सेफ्टी के मुतालिक आगाही पैदा करना है। मुरीद के की आबादी में दर्जनों अफराद का कब्जा ग्रुप के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन की कब्जा ग्रुप के खिलाफ नारेबाजी और कार्रवाई का मुतालबा। बासर कब्जा ग्रुप हमारी 3 करोड़ रुपए की मालियत की फसल काट कर ले गए। इनका कहना है कि पुलिस 15 पर कॉल की तो उल्टा हमें हवालात में बंद कर दिया। मुल्ज़िम हमें कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं। वजीर आला और IG पंजाब हमारी मदद करें। खान बेला में रिक्शे को टक्कर मारने वाला ट्रालर मोटरवे पुलिस ने पकड़ लिया। ट्रालर की टक्कर से रिक्शा ड्राइवर मौका पर जाँ बहक हो गया था। मोटरवे पुलिस को इत्तला मिलते ही मोटरवे पुलिस ने खान बेला सब्जी मंडी के सामने ड्राइवर को पकड़ लिया और अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। लाहौर में अपने हकूक के लिए धरना देने वाले नाबीना अफराद की पॉपुलर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू। नाबीना अफराद का कहना है कि हम अपने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। मजीद देखते हैं तैयब इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। और आपका ओहदा क्या है? और आप कब से ये प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं? सर, हम पिछले एक माह से सरापा एहतजाज है। लाहौर के मुख्तलिफ रोड पे कभी कहीं बैठ गए, कभी कहीं बैठ गए। अब पिछले 14 दिनों से इधर खुले आसमान तले क्लब चौक पे बैठे हुए हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा मुतालबा कोई लंबा चौड़ा नहीं है। हम पिछले 5 साल से डेली वेजिस पे काम कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ और उन की अहलियत के मुताबिक रेगुलराइज किया जाए और जो बेरोजगार नाबीना दोस्त हैं उनको रोजगार दिया। न्यूज़ रूम से फिलहाल इतना ही। मजीद जानने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़।